Hello everyone. So today we are going to study about action potential. तो action potential जानने से पहले या पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि what is the resting membrane potential. तो resting membrane potential को हम transmembrane potential या फिर steady potential भी कहते हैं. तो जैसे आपको पता है एक cell है, ठीक है. तो सेल के इनसाइड और आउटसाइड में जितना डिफरेंस रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, उसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. यानी कि जब सेल रेस्ट पे है उस टाइम उसके आउटसाइड और इनसाइड में कितना डिफरेंस है, दैट इज़ दी स्टेडी पोटेंशियल और दी ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल. अब ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है पोलराइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज्ड है या फिर पोलराइज स्टेट में है. देखो जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इसमें हमें इनसाइड ऑफ द सेल में ये दिखा रहा है इस टाइम नेगेटिव, ठीक है, और जो सेल का बाहर वाला हिस्सा है वहाँ पे हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, ठीक है. तो दिस इज़ दी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. तो रेस्ट के टाइम पे जो हमारा सेल होता है वो अंदर की तरफ होता है नेगेटिव और बाहर की तरफ होता है पॉजिटिव, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो रेंज करता है फ्रॉम -10 मिलीवोल्ट टू -100 मिलीवोल्ट. अब माइनस साइन क्यों इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस साइन इसलिए इंडिकेट हो रहा है बच्चों क्योंकि हमने अभी देखा कि जो सेल का अंदर वाला हिस्सा है वो नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, एक्सटीरियर ऑफ द सेल. तो उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए हमने माइनस साइन यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है. बट अब ये क्वेश्चन आता है कि अंदर का हिस्सा नेगेटिव ही क्यों होता है और बाहर का ही क्यों पॉजिटिव होता है रेस्ट के टाइम पे, उल्टा भी तो हो सकता था ना, पर ऐसा ही क्यों हुआ. देखो इसका सबसे पहला रीज़न है बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन. तो अभी आपने देखा इस वाली पिक्चर में साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम आयंस का रोल है, ठीक है. तो जो के प्लस आयंस हैं, पोटेशियम आयंस हैं, दे कैन डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल, ठीक है, वाइल सम नॉन डिफ्यूजेबल अनायंस प्रोटीन्स स्टे इनसाइड एज दे कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन. दूसरा रीज़न ये है कि देयर इज स्लाइट एक्सेस ऑफ कैटायन, यानी कि पॉजिटिव आयंस आउटसाइड द सेल एंड स्लाइट एक्सेस ऑफ अनायंस इनसाइड द सेल. दूसरा रीज़न ये है कि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये इलेक्ट्रोजेनिक होता है रेस्ट पे विद अ कपलिंग रेशियो ऑफ 3:2. सो दिस इज़ द रीज़न कि हमारा अंदर का हिस्सा सेल का नेगेटिव है और बाहर का हिस्सा पॉजिटिव है एट रेस्ट. अब ये मैंने टर्म यूज़ किया इलेक्ट्रोजेनिक पंप, ये पंप होता क्या है, तो ये पंप क्या करता है, मूवमेंट प्रोड्यूस करवाता है पॉजिटिव चार्ज का बाहर की तरफ सेल के, ठीक है. तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये कैटेलाइज क्या करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP टू ADP, और इस एनर्जी को यूज़ कहाँ करता है, ये सोडियम आयंस को बाहर लेके जाने के लिए और पोटेशियम आयंस को अंदर लेके जाने आने के लिए एक मोल ATP हाइड्रोलाइज करने पे, ठीक है. तो ये भी रीज़न है कि हमारा जो एक्सटीरियर है सेल का, बाहर वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव है एंड अंदर वाला हिस्सा इज़ नेगेटिव. देखो जो मैंने अभी आपको बात समझाई वो इस डायग्राम कितने अच्छे से दिखाई दी गई है कि ATP को इसने हाइड्रोलाइज किया ADP में, जिसकी वजह से जो हमारे 3 सोडियम थे वो बाहर चले गए और 2 पोटेशियम हमारे अंदर आ गए. सो दिस इज़ द इलेक्ट्रोजेनिक पंप. अब ये जो पंप की एक्टिविटी है ये इंक्रीज कब हो सकती है, व्हेन देयर इज थायराइड हार्मोन, इंसुलिन, एल्डोस्टेरोन एंड जी-एक्टिन. पंप की एक्टिविटी डिक्रीज कब हो सकती है, व्हेन देयर इज डोपामिन, देयर इज डिक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज ऑक्सीजन, देयर इज मेटाबॉलिक पॉइजन और देयर इज डिक्रीज इन ATP सोडियम पोटेशियम कंसेंट्रेशन. नाउ दिस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट इन ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन नर्व एंड मसल फाइबर. अब ये पोटेंशियल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजना है किसी नर्व में या मसल फाइबर में तो ये पोटेंशियल होना बहुत ज़रूरी है. अगर किसी का कपलिंग रेशो 1 है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम का कपलिंग रेशो इज 3:2, अगर किसी का कपलिंग रेशो 1 है तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी. सो सोडियम इनफ्लक्स डज नॉट कंपनसेट फॉर पोटेशियम इफ्लक्स बिकॉज मेम्ब्रेन एट रेस्ट इज मोर परमिएबल टू सोडियम. क्लोरीन डिफ्यूजेस इनवर्ड बट इट्स मूवमेंट इज बैलेंस्ड बाय द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. तो यहाँ तक बच्चों हमने समझा था, समझाया अबाउट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल.
अब हम बात करेंगे अबाउट दी एक्शन पोटेंशियल. सो इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच अकर इन अ नर्व आफ्टर इट्स एक्साइटेशन. अब मैंने किसी नर्व को एक्साइट कर दिया है तो उसके बाद जो जो इवेंट्स मुझे देखने को मिलेंगे वो होता है एक्शन पोटेंशियल. तो इसका हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है. तो मैं आपको एक बेसिक दिखा देती हूँ कि इसका ग्राफ होता कैसे एक्शन पोटेंशियल का. तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा. अब इस ग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे. और सो वाई एक्शन पोटेंशियल हैपन्स बिकॉज ऑफ द चेंज इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्साइटेबल सेल्स आर स्टिमुलेटेड एंड कॉज एक्शन पोटेंशियल. चेंज इन RMP इज़ ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द आयनिक इक्विलिब्रियम अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. अब हमने देखा कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है सेल का वो कैसा होता है, बाहर पॉजिटिव अंदर की तरफ नेगेटिव. बट अब कोई एक्साइटेशन आया, कोई बाहर से आपको किसी चीज़ ने स्टिमुलस दिया, तो उसके अंदर जो इसका जो नॉर्मल रेस्टिंग पोजिशन है सेल की, आयनिक कंपोजिशन है, वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल होता है फिर. सो दिस इज़ द ग्राफ अलॉन्ग विद द डिटेल्स, ठीक है. तो ये वोल्टेज और टाइम के उस पर प्लॉट किया जाता है एंड देयर आर डिफरेंट फेजेस फॉर इट. ओके, नाउ फॉर एन एक्शन पोटेंशियल टू जेनरेट देयर मस्ट बी अ थ्रेशहोल्ड ऑफ सूटेबल इंटेंसिटी टू एक्साइट द नर्व मसल फाइबर एल्स नो एक्शन पोटेंशियल विल जेनरेट. अब बच्चों ये लाइन समझनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देखो इस लाइन का मतलब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो लोग हैं, पर्सन वन एंड पर्सन टू, ठीक है. अब आप दोनों को बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हो, ठीक है. आप दोनों को ही बहुत उनकी आप इज्जत उतार रहे हो, बदतमीज़ी कर रहे हो उनसे, ठीक है. तो मान लो जो पर्सन वन है आपने उसे दो बातें बोली, उसको गुस्सा आ गया और वो भी आपसे लड़ने आ गया, ठीक है. और जो पर्सन टू है आपने उसको 10 बातें बोल दी तो भी वो गुस्सा नहीं कर रहा, ठीक है. फिर धीरे धीरे आपने उसे 10 बातें और बोली, आपने उसे 20 बातें बोली तो वो आपके पास लड़ने के लिए आ गया. फिर तो डिफरेंस देखो, एक को आपने सिर्फ दो बातें बोली तो वो लड़ने को आ गया, एक को आपने सिर्फ 20 बातें बोली उसके बाद वो आपसे लड़ने आया है, बात करने आया है, ठीक है. तो मतलब इनका जो एंगर का लेवल है या फिर जो इनका पेशेंस का लेवल है वो दोनों में डिफरेंट है. एक को आपने थोड़ा सा छेड़ा और वो एकदम से आपके पास आ गया, ठीक है. तो यही हाल हमारे नर्व और मसल का होता है, ठीक है. इनका एक थ्रेशहोल्ड होता है, थ्रेशहोल्ड यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे ये ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है. अब वो हर नर्व और मसल का अलग अलग होगा. तो जब तक मैं उस स्पेसिफिक स्टिमुलस तक, उस स्पेसिफिक इंटेंसिटी तक नहीं पहुँच जाती किसी नर्व या मसल के लिए, तब तक वो एक्साइट नहीं होते और तब तक उनमें कोई कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलती, ठीक है. इस चीज़ से आप याद रखना ये वाली बात. अब हम बात करेंगे अबाउट द फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल. सो दीज आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल. अब इनको बच्चों आपको ये नहीं कि एक ऊपर कर दिया एक नीचे कर दिया, ये सीरीज में है, ये फेजेस हैं, तो एक के बाद एक ही आता है. उल्टे सीधे ऊपर नीचे नहीं लिखना है इन्हें, ठीक है. इस डायग्राम में आपको देखने को मिल जाएगा अच्छे से. अब सबसे पहले हम इन फेजेस को डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हम देखते हैं कि रेस्ट पे क्या होता है. रेस्ट पे मतलब जब कोई स्टिमुलस नहीं है, तो हमें पता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, बाहर का जो सेल का हिस्सा है वो पॉजिटिव है और अंदर का जो हिस्सा है सेल का वो नेगेटिव है. इस टाइम पे क्या होता है, पोटेशियम की परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सोडियम. तो जो इक्विलिब्रियम है वो पोटेशियम चैनल मेंटेन करते हैं और जो सेल है वो अपनी पोलराइज स्टेट में है. RMP of most neuron is -70 millivolt, but ये वेरी करता है बिटवीन -10 टू -100 millivolt, जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया था. फिर आता है स्टिमुलस आर्टरीफैक्ट. सो इट इज़ अ ब्रीफ डिफ्लेक्शन ऑफ बेस लाइन. इट डिनोट्स करंट लीकेज फ्रॉम स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड टू द रिलेक्टिंग रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड. इट मार्क्स द पॉइंट ऑफ स्टिमुलस. तो स्टिमुलस आर्टरीफैक्ट ने बच्चों क्या किया, उसने सीधा सीधा ये बताया कि हाँ अब एक स्टिमुलस आ गया है, ठीक है. फिर आता है हमारा लेटेंट पीरियड या आइसोपोटेंशियल पीरियड. तो ये वो पीरियड है जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही होती, ठीक है. तो ये क्या डिनोट करता है, इस फेज में फिर हो क्या रहा होता अगर कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती. तो ये हमें टाइम डिनोट करता है कि कितना टाइम एक इम्पल्स ले रही है स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड से रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड तक जाने में, ठीक है. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स के. जितनी दूर इलेक्ट्रोड्स होंगे उतना ज़्यादा टाइम उसको लगेगा. एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्सॉन. उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है.
देन इज द फायरिंग लेवल और थ्रेश होल्ड एक्साइटेशन. इट इज द पॉइंट एट विच द रेट ऑफ डीपोलराइजेशन इंक्रीजेस. मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ से अब जो डीपोलराइजेशन है या फिर जो एक्साइटेशन है वो बढ़ने लगा है. देन इज द डीपोलराइजेशन और रिवर्स पोलराइजेशन. तो इसका मतलब है कि देयर इज अ रिडक्शन इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम नेगेटिव टू जीरो और पॉजिटिव वैल्यू, फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड्स मोर पॉजिटिव. जैसे कि हमने देखा था कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था यूजुअली मोस्ट न्यूरॉन्स के लिए वो -70 mV था, बट जैसे जैसे डीपोलराइजेशन होगा वो जीरो की तरफ अप्रोच करेगा और फिर वो पॉजिटिव वैल्यू में जाता जाएगा. सो इट इज़ डीपोलराइजेशन. So when depolarization exceeds 7 mV plus 7 mV, उस टाइम क्या होता है, जो सोडियम चैनल होते हैं आपके वो खुल जाते हैं, ठीक है, थ्रू एम गेट. When firing level is achieved, influx of sodium takes place and increases 18 to 20 times and causes depolarization. ठीक है, जब फायरिंग लेवल अचीव हुआ तो सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ कितना, 18 to 20 times and it causes depolarization. ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ आई आपको. उसके बाद दिस इंक्रीज इन सोडियम परमेबिलिटी इज शॉर्ट लिव्ड एंड हेंस द मेम्ब्रेन पोटेंशियल फेल्स टू रीच +60 mV. तो ये आपको इन्होंने इमेज में दिखाया है द एरिया ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन. अब देखो डीपोलराइजेशन वाले हिस्से में क्या हुआ, बाहर का नेगेटिव हो गया, अंदर का पॉजिटिव हो गया और बाकी सारा सेम है जैसे कि RMP में होता है. Now the factors which limit sodium influx are inactivation of sodium channel through edge gate. As polarization start to occur after overshoot, the direction of electrical gradient for sodium is reversed. Opening of K plus channel within 0.3 millisecond of threshold excitation, potassium leaves the cell along its concentration gradient. Therefore, the inside of the cell becomes positive and the outside of the cell becomes negative during depolarization. ठीक है, then comes the repolarization. अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही वो ऊपर तक गया पॉजिटिव वैल्यू पे आया, मान लो पॉजिटिव 35 mV तक आया, उसके बाद वो वापस नीचे की तरफ गिरता है टूवर्ड्स जीरो. सो ड्यूरिंग दिस फेज देयर इज ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम ड्यू टू ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स एंड डिक्रीज इन सोडियम इन फ्लक्स फर्दर. बट ये K plus का एफ्लक्स कैसे हुआ, बिकॉज इट कॉजेज नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आउट ऑफ द सेल एंड इट सर्व्स टू कंप्लीट द रीपोलराइजेशन. ठीक है, तो इस इमेज में आप देख सकते हो डीपोलराइजेशन जो आपको ग्रीन कलर में दिखाया गया है एंड रीपोलराइजेशन इज इन द ब्लू कलर. बाकी का जो पिंकिश कलर है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपको शो कर रहा है. सो दिस इज another picture showing the depolarization and repolarization. Then is the after depolarization. जब हमारी repolarization जो है वो 70% complete हो जाती है, उसके बाद जो हमारा repolarization का rate है वो थोड़ा decrease हो जाता है, ठीक है, और वो धीरे धीरे आता है towards the resting level, resting membrane potential. तो ये जो slower fall होता है end में repolarization के, इसको हम कहते हैं after depolarization, और ये 4 milliseconds तक last करता है. So at the termination of spike potential, potassium conduction is slowed down and thus a few milliseconds are delayed in restoring the membrane potential. Therefore, after depolarization is the last phase of slow potassium efflux. Spike potential क्या होता है? It is the rapid rise and fall of the axons. Then is after hyperpolarization. So जैसे कि जो हमारी ग्राफ ऊपर गया फिर ग्राफ नीचे की तरफ आया, तो यानी कि वो RMP पे वापस आ रहा है. जैसे ही ग्राफ RMP पे वापस आया तो वो थोड़ा सा और नीचे जाता है, वो थोड़ा सा और नेगेटिव बनता है, उसको हम कहते हैं आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन. सो इट इज़ अबाउट 1 to 2 mV इन एम्पलीट्यूड एंड इज ऑफ 35 to 40 milliseconds ड्यूरेशन. देखो ये ग्राफ है जहाँ पे उसने आयनिक फेजेस दिखाए हैं एक्शन पोटेंशियल के, कि किस किस फेज में आपके सोडियम चैनल्स ओपन रहते हैं, किस में पोटेशियम चैनल्स ओपन रहते हैं और किस फेज में ये दोनों क्लोज रहते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन. जब वो हमारी जो नर्व है वो बिल्कुल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ गई है, तो वो फिर से थोड़ा सा नीचे क्यों जाती है, बिकॉज RMP इज़ अचीव्ड एट द एंड ऑफ आफ्टर डीपोलराइजेशन.
ठीक है, येट द रेस्टिंग आयनिक स्टेटस इज़ नॉट अचीव्ड, मतलब कि वो जब बिल्कुल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाती है फिर भी जो उसका रेस्टिंग आयनिक स्टेटस होता है वो हमें अचीव नहीं होता. इट इज़ अचीव्ड बाय द स्लो रिटर्न ऑफ पोटेशियम चैनल टू द क्लोज स्टेट, दैट इज़ क्लोजिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड के प्लस चैनल. तो उसकी वजह से थोड़ा सा और नेगेटिव वैल्यू में जाता है, विच इज़ कॉल्ड आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन. अब बच्चों जो हमने स्टेजेस देखी 7 से लेकर 9 तक, ये रिप्रेजेंट करती हैं रिकवरी प्रोसेस इन द न्यूरॉन. 7 से लेकर 9 तक कौन कौन सी हो गई, आफ्टर डीपोलराइजेशन, स्पाइक पोटेंशियल एंड आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन. तो ये हमें क्या दिखाती है, रिकवरी प्रोसेस दिखाती है न्यूरॉन में. क्यों, क्योंकि ये वापस से सेल को, न्यूरॉन को उसके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ लेके आ रही हैं, वेयर एज उसके पहले के जो फेजेस थे वो उसकी डीपोलराइजेशन कर रहे थे, यानी कि बाहर का नेगेटिव अंदर का पॉजिटिव कर रहे थे. ठीक है, तो डीपोलराइजेशन डिक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, क्योंकि वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से उसको दूर कर रहा है. हाइपरपोलराइजेशन इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, क्योंकि वो रिकवरी कर रहा है. एक्साइटेबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ थ्रेशोल्ड, डिक्रीज इन द एक्स्ट्रा सोलर फ्लूइड सोडियम रिड्यूसेस द साइज ऑफ एक्शन पोटेंशियल बट हैज लिटिल इफेक्ट ऑन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्शन पोटेंशियल. नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज, the different properties of action potential such as all and none law, ठीक है, threshold stimulity, stimulus, इन सब के बारे में आई विल डिस्कस. तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना जिससे आपके सारे जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं फॉर द एक्शन पोटेंशियल वो क्लियर हो जाएंगे. रेस्ट इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में. थैंक यू.